अपने सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करने भाई रोहतक की पावन धरा से ये संकल्प लेकर आगे बढ़ना है कि जो लोग इस प्रदेश को बांट रहे, जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया, आज हरियाणा प्रदेश किसान का मेरा एक होकर अब प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाने का प्रण लेने का काम करेगी। साथियों, 5 साल बीजेपी की सरकार का होके प्रदेश केंद्र में सरकार बने, 5 साल से ऊपर हो गए, बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे। धरातल की तस्वीर में इस प्रदेश को धीरे धीरे खोखला किया गया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, संजय ने, प्रदीप ने एक बात कही कि हमारा बहादुरगढ़ तो गेटवे है हरियाणा, गेटवे तो एक और की बात, आज अपराध के अंदर नंबर वन अगर कोई प्रदेश में जिला है तो उसमें झज्जर जिले का भी नाम है। ये गेटवे बनाते हैं अपराधियों के, ये गेटवे बनाते हैं नशा तस्करों के, ये गेटवे बना रहे हैं बेरोजगारों के। साथियों, समझने की जरूरत है, आज हर रोज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 मर्डर, 3 रेप और 4 डकैती होती और फिर भी कहते हैं हरियाणा समृद्ध हो रहा है। आज अपराध के मामले में हरियाणा प्रदेश ने बिहार को भी पीछे छोड़ दिया, हम देश में 4th नंबर पर आ गए। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, अगर मुख्यमंत्री से जवाब मांगे तो ये जवाब दिया जाता है कि हमने महिला थाने खोल दी। तो ये बताओ, मर्डर और रेप जैसी घटनाएं भी कभी छूट सकती? आज महिला थाने खोलने से तो आपसी विवाद बढ़ाने का काम जरूर इस खंड सरकार ने किया। बुजुर्ग युवा साथियों, न्याय कोर्ट पर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है भाई, एक नई तलवार भी मुख्यमंत्री ली है और वो तलवार है चलान। मैं घुसा एक ट्रैक्टर खड़ा दिखा, मुझे याद है 1.25 साल पहले जब इस ट्रैक्टर को कमर्शियल करने का प्रयास किया गया तो बहुत से लोगों ने कहा कि अब तो ये ट्रक बन जाएगा, ट्रैक्टर नहीं रहेगा। 1 महीने पार्लियामेंट के अंदर इस ट्रैक्टर को लेकर गया और दोबारा चौधरी देवीलाल का कांटा बनाने का काम हमने इस ट्रैक्टर को किया। पर आज हालात देखो सरकार के दबाव की, एक ट्रैक्टर तो किसान के खेत से अनाज को मंडी तक ले जाने में काम आता है, उसका खेत सींचने में काम आता है। फतेहबाद के अंदर किसान जब अनाज लेकर मंडी में आया तो 53,000 रुपए का चलान कटा। गुड़गांव में जहां पानी की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती, इस ट्रैक्टर पे गरीब आदमी पानी देने किसी घर में जा रहा था तो उसके 63,000 का चलान कटा। और फरीदाबाद के अंदर 71,000 का इस ट्रैक्टर का चलान काट दिया। बुजुर्ग युवा साथियों, मोटरसाइकिल तो गरीब की निशानी है। खट्टर साहब तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला ले घूमते, कलोनी पार तो सारे दिन की दिहाड़ी से घर चलाने वाले लोग, अधिकतर लोगों के पास मोटरसाइकिल है। ये CD 100 वगैरह 15,000 के सेकंड हैंड मिलते हैं और पुलिस का अत्याचार देखो, चलान कटता है 23,000, 25,000, 29,000। गरीब आदमी अपना मोटरसाइकिल बेचते तो भी ये चलान नहीं भर सकते। और कल एक आई भी थी दिल्ली के अंदर, एक ट्रक लेके गया, उसका 1,53,000 का चलान कटा। 2 लाख वाला कोई नया आ गया। और अगर बीजेपी वाले हरियाणा में सरकार दोबारा बना के फिर गाड़ियां छोड़ दो, मानसा के भी चलान कटेगी।
फिर तो ये हालत हो जाएगी, नंगे पांव घूमे इसके 500 का खर्च। अगर शर्ट के बटन खुले हैं तो 200 का कटेगा, क्योंकि खट्टर साहब को तो पता नहीं कि आज एक और पर अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और इस तरह का सरकारी दबाव बनाकर कमेरे वर्ग को और तोड़ने का काम कर रहे हैं। उधर का युवा साथियों, जो आपके बहादुरगढ़ से एक यात्रा गई थी उसका नाम था जन आशीर्वाद यात्रा। किसी एक जने को यह पता चला कि खट्टर साहब आशीर्वाद लेके गए या देके गए? करोड़ों रुपए हरियाणा सरकार के खजाने के बर्बाद कर दिए खट्टर साहब ने, कि उसके माध्यम से अखबारों में, टीवी में इश्तिहार और इनकी सरकार के चले। बुजुर्ग युवा साथियों, अगर आशीर्वाद देने आए थे तो कोई पूछने का काम करता कि 80 लोगों की जान सरकारी गोली से आपकी सरकार ने ली, क्या यह आशीर्वाद? चार बार प्रदेश जला, क्या यह आशीर्वाद? 5,000 करोड़ रुपए का माइनिंग में ओवरलोडिंग घोटाला हुआ, क्या यह आशीर्वाद? 1,000 करोड़ रुपए का रोडवेज की जगह किलोमीटर स्कीम में प्राइवेट बसें चलाई, उसका घोटाला था, क्या यह आशीर्वाद? ये बिजली के मीटर जो घर के बाहर लगाए हैं, 1,100 करोड़ का इसके अंदर भी घोटाला हुआ। और तो और, हमारे एससी भाइयों के बच्चे जो स्कूल में जाते थे उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, 4 जिलों की रिपोर्ट में 24 करोड़ का घोटाला था, अकेले झज्जर जिले में एक साल में 4.5 करोड़ रुपए खाए गए। इनने तो गरीब भी नहीं छोड़े और आज ये आशीर्वाद मांगने निकले। बुजुर्ग युवा साथियों, की ईमानदारी की मोर दे दी कि खट्टर साहब ईमानदारी से नौकरी देते। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी ईमानदारी की बात करते हैं? ना पर्ची ना खर्ची की बात करते हैं। आपके पड़ोस में खरखोदा में राठ धाड़े के एक आदमी ने अपने आप को आग लगाई और ये कह आग लगने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे वादा किया था तेरे 2 बालकों को नौकरी लगाऊंगा। क्या वो पर्ची नहीं थी? 2 घंटे बाद किसी अखबार में, किसी टीवी पर उस व्यक्ति के बारे में कोई खबर नहीं। साथियों, पीजीआई के अंदर उसने अपने अंतिम सांस लिए एक बार भी सरकार का कोई प्रतिनिधि उसका हालचाल पूछ नहीं है, क्या ये ईमानदारी? 2.5 लाख में आपके पड़ोस के रेवाड़ी के अंदर नायब तहसीलदार का पेपर बिकता हुआ मिला, 4 लोग अभी भी जेल के अंदर बंद, रिजल्ट आउट कर दिया, लोगों को ज्वाइनिंग कराने की तैयारी कर दी, क्या ये ईमानदारी? 1 करोड़ रुपए में चंडीगढ़ से हरियाणा के जुडिशियल एग्जाम का पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज उसकी इंक्वायरी चल रही, क्या ये ईमानदारी? आज ग्रुप डी को कहते हैं ईमानदारी से लोग लगाए। मैं तो ये मानता हूं ईमानदारी नहीं, अगर सबसे ज्यादा बेईमानी हरियाणा के भविष्य के साथ किया तो इस बीजेपी की सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती कर दी। मैं सिरसा में था, एक लड़का एमसीए करा हुआ जिसके माँ बाप ने कम से कम 15 लाख रुपए उसकी शिक्षा पे लगाए, आज उसको वेटनरी विभाग में पीएम की पोस्ट पे बिठा रखा है सरकार। एक साथी हिसार का है, पीएचडी करा हुआ है, उसको वन विभाग के अंदर माली भर्ती कर दिया। एमएससी एमटेक बीएससी करे हुए बच्चों को आज धोबी की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, बेलदार की नौकरियों पे बिठाने का काम ये सरकार कर रही है और कह रही है हम ईमानदार हैं। ये नौकरी तो 10वीं 12वीं पास बच्चे भी कर लेते, मगर ये युवा जो आज अलग अलग कॉलेजों में डिग्री प्राप्त करते हैं इनके लिए रोजगार का साधन नहीं बना पाई है सरकार। खट्टर साहब कहते तो थे बंपर नौकरियां निकाल दू, पर कोई पूछने का काम करे नौकरियां कितनी निकाली? ये SC ST और इलेक्ट्रिकल लगे और SC ST और इलेक्ट्रिकल के अंदर हरियाणा प्रदेश के केवल मात्र 2 बच्चों को नौकरी देने का काम इस खट्टर सरकार ने। जब जमीन आपकी, बिजली आपकी, पानी आपका, व्यवस्था आपकी,
सरकारी नौकरियों में जब आपको हिस्सेदारी नहीं मिली, 80 में से 2 वाले काम के लगे, तो क्या सोच सकते हो खट्टर साहब आने वाली पीढ़ी के आदमियों को रोजगार दे पाए। ये अपने पड़ोस में गुड़गांव जिला है, 17 लाख नौकरी गुड़गांव में। आज हरियाणा के दुख होता है बताते हुए, 3 लाख बालक बीनी, 14 लाख बाहर के लोगों ने आकर आपकी नौकरियों पर कब्जा कर रखा है। ये बहादुरगढ़ में इंडस्ट्री रहेगी, मेरे ख्याल से यही हालात यहां होंगे। 1 लाख से ऊपर नौकरियां तो बहादुरगढ़ में होगी, चप्पल की दुकानों में, शीशे की फैक्ट्रियों में। मगर उसके बावजूद भी हमारे पढ़े लिखे बच्चों के हाथ में रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं करा पा। मैं तो आपको एक वादा कर सकता, जैसे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने अपनी पहली कलम से 100 रुपए पेंशन बनाने का काम किया था। साथियों, जिस दिन प्रदेश में आपका राज बनेगा, अगर कोई पहला कानून प्रदेश में लागू होगा, तो हर रोजगार, चाहे सरकारी गैर सरकारी हो, 75% हिस्सेदारी अगर होगी तो आपके बच्चों की स्कीम होगी। जिस दिन 75% हिस्सेदारी होगी, गुड़गांव की 17 लाख में 3 लाख आपके नहीं, गुड़गांव की 17 लाख नौकरियों के अंदर 14 लाख बालक लगेंगे तो आपके लगेंगे। युवा साथियों, पर परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, समय बहुत कम है। आज हमारे बीच में केवल मात्र, अगर आज 1000 संहिता लगती है, कल 1000 संहिता लगती है, तो जो समय बचा है वो केवल मात्र चुनाव का 30 दिन से कम का समय है। और इन 30 दिनों के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपर्क पहुंचाना है, चाबी का चुनाव चिन्ह पहुंचाना है। और उसके लिए मैं तो आग्रह करूंगा, आप सब हल्के के अलग अलग गांव से, शहर के अलग अलग कॉलोनियों से आए, घर घर जाकर निमंत्रण दे के आओ 22 की रैली। और 22 की रैली को ऐसा ऐतिहासिक कर दो कि जब गेटवे ऑफ हरियाणा से गाड़ियां चल के रोड तक जाए, तो एक ही चर्चा करे कि भादुरगढ़ ने अंगड़ाई ले ली, झज्जर ने अंगड़ाई ले ली, अब हरियाणा के अंगड़ाई लेने की बात है।